गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडीज ऑफ नेक्स्ट डे एंड प्ले स्कूल। नाउ इट्स आर ड्राइंग्स टर्न। स्टूडेंट्स, अब हमारा ड्राइंग टर्न है, तो अपनी ड्राइंग बुक निकाल लीजिए। अब पेज नंबर 16, आज हम ये क्या है, स्नेक। वॉट इज दिस स्नेक? स्टूडेंट्स, ये स्नेक है, तो आज हम स्नेक को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ये स्नेक कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट है। इस वाले स्नेक को हमें इस वाले स्नेक की तरह कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप ब्लैक कलर अपने हैंड में ले लीजिए, ब्लैक कलर, ठीक है। फिर ब्लैक कलर से आप ये जो डॉट्स हैं इनको कंप्लीट करते हुए चलिए। यहाँ अपना ब्लैक कलर रखिए और इसको ऐसे करते हुए डॉट से डॉट ज्वाइन करते हुए इस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से टर्न कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इनकी आई पर भी कर दिया। फिर यहाँ पेंसिल रखी, इनके डॉट्स को ज्वाइन करते हुए चलें, ये ऐसे आया, ऐसे करके आपको ये ब्लैक कलर से करना है, ठीक है। अभी ये रेड कलर से हुआ है लेकिन आपने ब्लैक कलर लेना है। फिर आप लेंगे पर्पल कलर, ठीक है। पर्पल कलर हमें इसके अंदर फिल करना है, ऐसे करके आप पर्पल कलर फिल करेंगे इसके अंदर। इस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे, ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो हम किस पिक्चर में कलर कर रहे हैं, नेम पता है आपको इसका, स्नेक। व्हाट इज दिस स्नेक? स्नेक आपको बहुत अच्छे से प्रॉपरली कलर करने हैं ताकि कलर बाहर ना आए, ओके। ऐसे ऐसे करके आप इसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ भी फुल कर देंगे और अपनी पिक्चर रेडी करेंगे, देन मुझे सेंड करेंगे, ओके। तो हमने आज स्नेक किया है, उसमें हमने ब्लैक कलर, पर्पल कलर एंड ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। आप ऑरेंज कलर लेंगे और इसकी आई में कर देंगे, ठीक है। ये हमें इसमें वन आई दिख रही है, तो आई में आप इसमें ऑरेंज कलर कर देंगे, ठीक है। आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी है और मुझे सेंड करनी है। थैंक यू।